इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रेडिक्शन के बारे में ये कि ये कौन सा प्रोसेस है। इन प्रेडिक्शन इज एक्चुअली वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड कंज्यूम अदर, और वी कैन से दैट वन बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको तो बेनिफिट मिल रहा है, बट नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको किल करके, उसको ख़त्म करके। अब प्रेडिक्शन का प्रोसेस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में यूज़फुल भी है कि एक ऑर्गेनिज्म ने अगर सर्वाइव करना है या अपनी लाइफ को प्रमोट करना है, प्रोलॉन्ग करना है, या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है उसको प्रमोट करना है, तो उसे ऑब्वियसली इस प्रोसेस से गुजरना होगा। अब उसने मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपनी खुराक हासिल करनी है ना। एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होगा, वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होगा, वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होगा, और वो उनको किल करके और वहाँ से अपनी खुराक हासिल करेगा। लेकिन वो ऑर्गेनिज़म्स जिनको किल किया जा रहा है, ऑब्वियसली उनकी तो डाइवर्सिटी में कमी आ रही है, वो कम होंगे। वो ऑर्गेनिज़म्स जो दूसरों को किल करते हैं और उनसे अपनी खुराक लेते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेडेटर्स। और वो ऑर्गेनिज़म जिनको मतलब किल किया जाता है, उनको हम कहेंगे प्रे। प्रेडेटर्स जो हैं वो प्रे की पार्ट्स ऑफ द बॉडी उनको खाते हैं, उनसे अपनी एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। हमारे पास एक बेस्ट नाउन एग्जांपल अगर हम प्रेडेशन की देखें तो वो आप कह सकते हैं कि कॉर्निवोरस इंटरेक्शन है, जिसमें वन एनिमल कंज्यूम्स अनदर। अब देखें वर्ल्स जो हैं उसमें हंट करते हैं मूस को, ऑल्स हंट करते हैं माइस को, शूज हंट करते हैं वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स को। और अगर हम लेस ऑब्वियस कॉर्निवोरस इंटरेक्शन देखें तो उसमें स्मॉल इंडिविजुअल्स जो हैं वो लार्जर से कंज्यूमिंग देते हैं। और हमारी कम्युनिटी में प्रेडेशन प्रोसेस में आप देखेंगे कि प्रेडेटर्स जो हैं वो प्रे की जो पॉपुलेशन है उनको रिड्यूस कर देते हैं हमारी कम्युनिटी से। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रेडेटर सिर्फ एनिमल्स ही होते हैं, और इवन कॉर्निवोरस प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप है और या फिर पीचर प्लांट है, तो उन्होंने इंसेक्ट्स को खाना होता है। पीचर प्लांट्स जो है वो अपना प्रे जो है वो कहाँ से लेता है, वो पूल ऑफ वाटर से लेता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खाता है। इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो इंसेक्ट्स को खाता है, और ये प्लांट्स जो हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट्स से लेती हैं ड्यूरिंग डाइजेशन। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पर देखें तो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जो हैं वो अपने मतलब आल्सो दे कैन कंज्यूम प्रे ऑर्गेनिज़म्स। एंड हमारी जो पॉपुलेशन साइज मेंटेन करने के लिए माइक्रोबियल कम्युनिटी में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का, जो कि मतलब प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड कंट्रीब्यूट टू अ स्टेबल कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो ये सारा प्रेडिक्शन का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।